हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकिक टैरो 3। एंड हम आ गए हैं आज एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के बाद आपको कमिट करेंगे या नहीं करेंगे, ये जानेंगे हम टैरोट के थ्रू। और गॉड से हम गाइडेंस भी लेंगे कुछ। और डेफिनेटली मैंने लास्ट टाइम जो रीडिंग की थी वो की थी थर्ड पार्टी खत्म होगी या नहीं होगी, तो उस रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी गेट हुई थी। तो डेफिनेटली मैंने सोचा है कि अगर अब उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उस रीडिंग का, और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो से इस वीडियो को कनेक्ट करना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो कल ही डली है, तो डेफिनेटली उससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। और देन उसके बाद आप अगर ये रीडिंग देखोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और वापस आने के बाद आपको कमिट करेंगे या नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे। और गाइस मैं पहले ही बता दूँ, जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, और जनरल होने के कारण ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। सो ओके, देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है टैरोट से आपके लिए, एंड देखते हैं कि क्या क्या देते हैं गाइडेंस हमको गॉड। तो चलिए हम कार्ड्स को पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से, एंड देन देखेंगे कि क्या गाइडेंस और क्या निकल के आता है दोनों डेक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, थैंक यू। आप लोग जुड़े हैं मुझसे तो मेरा काम ही है आपको गाइडेंस देना और बताना कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन। चलिए अब हम कार्ड पिक करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है निकल के आपके पास इनके लिए, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, होपफुली आपको एक कार्ड दिख रहा हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। ओके, दो कार्ड हमारे पास आए। वाओ, द सन एंड द स्ट्रेंथ, टू मेजर अरकानास। काफी पॉजिटिव हो गई है आपकी रीडिंग द सन के आने से। डेफिनेटली गॉड आ गए हैं हमारी रीडिंग में, एंजल्स आ गए हैं। काफी खूबसूरत हो गई है अभी ये रीडिंग, पॉजिटिविटी मिल गई है इनको बहुत ज़्यादा। वाओ, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, व्हाट अ साइन। ओके, चलिए हम इन दोनों तीनों कार्डों को ही देख लेते हैं। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, ओके, ये दो कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जस्टिस। सो हमें हमारे पास, मैंने आपको साइंस तो बताई दिए हैं, बस जो मेजर खाना से हैं वो नहीं बताए हैं, और एक पेंटिकल्स का साइन नहीं बताया। तो पहले ही मैं आपको बताता हूँ, टॉरस, वीको, कैप्रिकॉन, एंड मैंने फायर साइन बता दिया आपको। हमारे पास फायर है, अर्थ है, वाटर है, एंड मेजर खाना से भी हमारे पास कुछ साइंस आए हैं, मैं आपको वही बताता हूँ, देन हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मेजर खाना से हमारे पास है लिब्रा है, लियो है, एंड टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस। ओके, सो यही साइंस है हमारे पास मेजर अरकाना से, एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड डेफिनेटली ये रीडिंग बहुत ही खूबसूरत हो गई है, बहुत ही पॉजिटिव हो गई है, बिकॉज इसमें सन कार्ड आया है। और अगर मैं स्टार्टिंग में ही डिवाइन फेमिनिन की बात करूँ, क्वीन ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली हमारे पास ये आपकी एनर्जी आई है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई है, और डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी आई है, क्योंकि हमारे पास कपल है, किंग ऑफ कप्स भी है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स भी है डेफिनेटली। एंड अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनली अपनी हर चीज़ कर रहे हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहे हैं अपनी, और काफ़ी खूबसूरती से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप से मुझे क्लियरली दिख रहा है अभी उनकी इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस काफ़ी हाई चल रहे हैं। और जो हमारी किंग क्वीन ऑफ वैंड्स है, डेफिनेटली काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी करेज है हमारी क्वीन
ऑफ वैंड्स यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनिन में काफ़ी करेज है, कॉन्फिडेंस है, इंडिपेंडेंट हो गई है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम करती हैं एंड सोशल मीडिया पर अभी छाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती है, कहने का मतलब ये है। एंड डेफिनेटली अगर मैं देखूँ तो आपको अपनी स्ट्रेंथ तो बरकरार रखनी पड़ेगी, बिकॉज आपके पर्सन वापस आएंगे, आपका रीयूनियन मुझे यहाँ से दिख रहा है, आपके पर्सन जो भी विश करके बैठे हैं या फिर आप जो भी विश लगा कर बैठे हो, डेफिनेटली गॉड उसके लिए जस्टिस देंगे। एंड डेफिनेटली नाइन ऑफ कप्स मुझे ये दिखा रहा है आपकी कोई ना कोई ऐसी विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और वो विश मुझे यहाँ से ये दिख रही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपको कमिटमेंट दे दे, आपके साथ अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर ले, और डेफिनेटली वो आएंगे, वो एक नई शुरुआत भी करेंगे। डेफिनेटली अगर देखिए मैं आपको कार्ड्स के बेसिस पर दिखाऊँ तो डेफिनेटली वो नई शुरुआत करेंगे, द फुल न्यू बिगनिंग है, एक फ्री स्पिरिट की तरह आपके पास आएंगे, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि गॉड ऐसा जस्टिस करेंगे कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकल जाएंगी एंड वो एक नई शुरुआत करके एक नई स्पिरिट, एक फ्री स्पिरिट की तरह आपके पास आएंगे। बट येस अभी अगर मैं देखूँ तो वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी अभी, क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से अभी निकली नहीं है, अभी भी उनकी लाइफ में है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लव के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है आप दोनों के बीच में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि अभी टाइम है, पर्सन वापस आएंगे वो भी टाइमिंग के बेसिस पर, तो यस अभी वो टाइमिंग नहीं आई है, इसीलिए आपके दोनों के मैनिफेस्ट जो भी आप करते हो उसमें डिले आता रहता है। डेफिनेटली मुझे यहाँ से डिले दिख ही रहा है, और बट येस आपको अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है हमारे पास, स्ट्रेंथ को बिल्कुल बरकरार रखना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी स्ट्रेंथ को अपने मतलब फ्रंट फुट पर रखना है, क्योंकि स्ट्रेंथ जब तक आपकी बरकरार रहेगी आपकी लाइफ से आपकी लाइफ में चेंजेस, यस आपको अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखनी होगी, और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यस डेफिनेटली चीज़ें आएंगी, ठीक होंगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास आया और व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखा रहा है कि यस थिंग्स चेंज होगी पर एक टाइमिंग के बाद होगी। ओके एंड मैं आपको द सन की पॉजिटिविटी पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये कार्ड जब भी किसी भी रीडिंग में आता है तो वो रीडिंग बहुत पॉजिटिव हो जाती है, और साथ ही साथ एंजल्स एंड नेचर सन और ये जो आप कार्ड देख रहे हो कितना खूबसूरत है, आपकी प्रोटेक्शन में लग जाते हैं, तो डेफिनेटली एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपके जो पर्सन के विषय वो पूरी होने में अभी थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए आप दोनों का रीयूनियन अभी नहीं हो पा रहा है, बट येस डेफिनेटली जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आ जाओगे, एक दूसरे के साथ जब पैचअप हो जाएगा या फिर जो सेपरेशन है वो खत्म हो जाएगा, आप दोनों वापस से अटैच हो जाओगे, तो डेफिनेटली सिक्स ऑफ वैंड मुझे दिखा रहा है क्लियर कि आप दोनों के बीच में लव होगी, हार्मनी होगा, जॉय होगा, आपको विक्ट्री मिलेगी, बिकॉज इस विक्ट्री के पीछे हाथ किसका है, जस्टिस, गॉड का हाथ है, गॉड आपको विक्ट्री दिलाएंगे, गॉड आपके लिए जस्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना है अच्छे से, और अपने लव के लिए, अपने पर्सन के लिए आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, बिकॉज गॉड भी आपका साथ जब भी देंगे जब आप अपना साथ खुद देंगे, और अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ से देखी दिखाई दिया आपको, स्ट्रेंथ कार्ड है एंड द सन, सन मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, बट येस अभी थोड़ा सा डिले है, बिकॉज हमने देखा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, जो मुझे यहाँ से थोड़ा सा डिले दिखा रहा है, बट यस टाइमिंग के बेसिस पर, डिवाइन टाइमिंग के बेसिस पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपकी लाइफ में वापस से वैसी ही हो जाएंगी जैसी पहले थी। ओके सो अब हम देख लेते हैं कुछ गॉड गाइडेंस कि गॉड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं अपने दूसरे डेक के थ्रू, तो चलिए हम गॉड गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए एंड देखते हैं कि क्या गॉड की गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके एक कार्ड आ गया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू रिलीज योर टेंशन, योर फियर, जो भी आपका फियर है, मतलब आप मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, कब हमारा पर्सन हमारी लाइफ में वापस आएगा, कब सारी थिंग्स सेटल होंगी, थिंग्स सेटल हो जाएंगी, गॉड पर विश्वास रखो, और आपको गॉड कह रहे हैं यू नीड टू रिलीज योर फियर एंड एंजाइटी एंड जो भी आप इतने ज़्यादा मतलब उसमें हो के कब सब चीज़ें ठीक होगी, ये जो उतावलापन है आपके अंदर इसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, इमोशंस आर रनिंग हाई, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं, तो अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, बहुत ज़रूरत है बैलेंस करने की, इमोशन में अगर हर चीज़ करोगे तो फिर वो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल होके काम करने में मज़ा है वो इमोशंस के साथ नहीं, बिकॉज फिर हमारा एक साइड हावी रहता है हमारे ऊपर, और फिर वो हम
हम हर चीज़ को ना फिर इमोशंस के थ्रू ही देखते हैं, हमें काफ़ी बार अपनी प्रैक्टिकलिटी को भी आगे रखना होता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड, जब भी देखो अगर आपके पर्सन आपके पास कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं आपको, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप वो फ़ोन ना उठाओ या फिर आप वो कॉल पिक ना करो या उस मैसेज का रिप्लाई ना करो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर वहाँ से कोई फर्स्ट मूव लेना है तो आपको भी अपने लिए फर्स्ट मूव लेना ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के कमेंट पढ़े हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे पर्सन का कॉल आया पर हमने पिक ही नहीं किया बिकॉज कुछ सिचुएशन ऐसी थी या फिर कुछ हमें लगा कि नहीं अभी टाइमिंग ठीक नहीं है। बट यस, अगर कोई भी फर्स्ट मूव लेता है तो प्लीज़ उस पर रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, कुछ कार्ड आए हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेव। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका प्यार और आप और आपके प्रियजन जितने भी हैं सब सेव हैं। ओके, तो कोई कहीं नहीं जाने वाला है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए डेफिनेटली इमोशंस हाई चल रहे हैं, तो इसीलिए गॉड ने बोल भी दिया है कि आपको प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है और अपने प्रैक्टिकल एक प्लान की जरूरत है। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। ओके, यू आर गुड इनफ। आप सोचते होगे कि मेरा पर्सन थर्ड पार्टी के पास इसलिए चला गया क्योंकि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। नो, यू आर गुड इनफ। गॉड आपसे ये कह रहे हैं कि हमेशा शीशे के आगे सुबह सुबह खड़े हुआ करो और कहा करो यू आई एम गुड इनफ। ठीक है, आपको ये बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड। समृद्धि आपके आगे है, आपके आगे रास्ते में ही समृद्धि है। बस आपको अपने प्लान्स जो भी हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान बनाना है एंड जो भी समृद्धि आप चाहते हो अपने जीवन में, जो भी सक्सेस आप चाहते हो, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। अपने लिए एक्शन लो और जो आपकी एनर्जी है वो मोमेंटम में आ रही है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। हमारे बॉटम से ये निकल कर आया है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चिंतन करने की। तो डेफिनेटली गॉड ने बता दिया है आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपना फियर, अपनी एंजाइटी, इमोशंस जो हैं उनको थोड़ा सेटल डाउन करो। हमेशा बोल्ड रहना और जो भी फर्स्ट मूव आप लेना चाहते हो ले लेना, अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर, अपनी सोल हियरिंग, इनर सोल हियरिंग के बेसिस पर, जो भी वो आपको बताना चाहे। एंड योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आपका सपना है उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है और आप बहुत ही ठीक हो। बिल्कुल भी अपने आप को ऐसे मत आगा करो, किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखो, हम जो आप हो वो आप हो, कोई और वो नहीं बन सकता या फिर आप किसी और को अपने सेल्फ पर नहीं ला सकते हो। तो डेफिनेटली आपको अपने रियल सेल्फ के साथ ही आगे बढ़ना होगा। यू आर गुड इनफ, इसीलिए ये कार्ड आया है। और प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पैरिटी मीन समृद्धि आपके आस आपके कदमों में होगी जब आप अपने गोल के लिए आगे बढ़ोगे। और एनर्जी जो आपकी है वो अब एक मूवमेंट में चल रही है डेफिनेटली, और ये टाइम है अपने लिए एक्शन लेने का, मेडिटेट करने का और ध्यान लगाने का और चिंतन करने का, ताकि आपका माइंड धीरे धीरे सेटल डाउन होता जाए। सो हमने देख लिया है कि यस, आपके पर्सन वापस आएंगे। आपके पर्सन वापस आने के बाद आपको कमिट करेंगे, बिकॉज हमारे पास कौन सा कार्ड आया था, सिक्स ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ ये नया रिलेशनशिप शुरू करेंगे। फूल ने हमें दिखा दिया है, ओके, एंड जस्टिस ने हमें दिखा दिया है कि पर्सन का आना लिखा है लाइफ में। एंड द सन, जिसने हमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी दे दी है। एंड लियो, जिसने हमें बता दिया है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने सारे काम करने हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तभी गॉड आपका साथ देंगे और आपके लिए वर्क करेंगे। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, बिकॉज नई नई रीडिंग्स रोज़ आती रहेंगी। एंड साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताना कि पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ। एंड हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय, और सब अच्छे से इन गाइडेंस को फॉलो करना और अपना ध्यान रखना। ओके, बाय, टेक केयर।